गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इट्स मी खुशी। अगर आज आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। सो आपके थंबनेल देखिए पता ही चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो या हम लोग जा रहे हैं दुबई, नॉट इन दुबई, लखनऊ वाले दुबई। चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हम लोग को पहुंचना था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दुबई थीम कार्निवल। लिटरली यहाँ मुझे बाहर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक गलती हो गई, हम लोग को टाइम पता नहीं था तो हम लोग 2 बजे आ गए, बट यहाँ गेट ओपन 4 बजे होगा। तो गाइस आप लोग जानते हैं कि मैं पत्रकारपुरम पे रहती हूँ, तो मैंने पत्रकारपुरम से निषादगंज के लिए ऑटो लिया, फिर वहां से मैंने चौक के लिए, चौक से देन दुबग्गा, दुबग्गा वहां एक बुद्धेश्वर मंदिर होगा, बुद्धेश्वर मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है ये दुबई थीम कार्निवल। लिटरली इतना एड्रेस कोई नहीं बताता, मैं बता रही हूँ, बिना वीजा के आप लोग दुबई घूम सकते हैं। तो आइएगा जरूर, यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। 4 बजे जब ओपन होगा तब हम लोग देखते हैं यहाँ कैसा लगता है। तो गाइस हम लोग 2 बजे पहुंच गए थे दुबई कार्निवल, लेकिन 4 बजे से ओपनिंग होगी तो अब देखते हैं क्या करते हैं। तो हम लोग आ गए मॉल के अंदर। तो हमने अपना पूरा 1.5 घंटा कर दिया मॉल में बर्बाद। फाइनली हम लोग जाने वाले, आई टिकट 30 रुपीज है। तो गाइस हम लोग टिकट ले चुके हैं, तब चलिए अंदर एंट्री करते हैं, अब देखते हैं कैसा लगता है हमारा दुबई। दुबई वेलकम टू दुबई गाइस। बड़े बड़े झूले लगे हुए, बहुत अच्छा, आप देखिए यहाँ कितना अच्छा। ये जो है पेरिस का आईफिल टावर, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जिससे भी बहुत अच्छा है इसको वो बनाया गया है, एकदम रियल लग रहा है, बट छोटा है। तो गाइस ये है दुबई का यूनिवर्सल, मतलब ये थर्माकोल से लेके बनाया गया है यूनिवर्सल, शाम को आप लोग आइएगा बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग तो अभी काम था इसे, हम आफ्टरनून में ही आ गए, बट आप लोग शाम को आइएगा बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस ये है दुबई का बुर्ज खलीफा, आप देख रहे हैं। तो गाइस जैसा मैंने सोचा था वहाँ मुझे इतना अच्छा या नहीं लग रहा है, बट फिर भी ठीक ही है, थोड़ा बहुत दुबई लग रहा है, मतलब पूरा पूरा नहीं। अब मेरे पीछे झूला देख रहे होंगे, चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहूँ तो मेले की तरफ देखते ही उत्साह बढ़ सी जाती, सब कुछ इतना अच्छा लगता है कि मन खुश हो जाता है। चरखे, झूले, ब्रेक डांस, नाव और इतनी छोटी मोटी सारी दुकानें, बर्तन की, चप्पल और जूतों की और क्या क्या, और हाँ ना, मेले में घूमकर मजा सा ही आ जाता है। भूत बंगला तो यार दिन में ही डरा देते हैं, और खाने में आइसक्रीम, बर्फ का गोला, चाट, चाउमीन, टिक्की का क्या ही कह, और पता है बहुत सारी फालतू की चीजें हम खरीद के लेके आ जाते हैं मेले से। अब क्या ही बताएं मेले की बात। फिर मैंने यहाँ यार बहुत सारी चीजें देखी, मुझे बहुत चीजें पसंद भी आए, लेकिन सब क्या करना, खरीद के मैंने कहा हटाओ, घूमने आए हैं तो घूम ही लेते। तो फिर हम लोग ने अच्छे से घूमा और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने मिनी थिएटर देखा जो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इसका रेट 350 था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ बंटन लीजिए बहन, चलाने ओके, हर किसी की चीज चलने के हमारी। बचपन से मुझे ना मेला इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। आई नो कोई पूछना नहीं चाहेगा, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है मेला। गाइस मैं सच कहूँ मेरा यहाँ पैसा पूरा बर्बाद हो गया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जैसा मैंने सोचा था कि यहाँ ऐसा होगा वैसा होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ झूले हैं, लग रहा है मैं मेले में सिर्फ नॉर्मल मेले में आई हूँ, बस ये दो तीन चीजें बना दी गई है, मुझे और वैसे कुछ नहीं दिख रहा है, और मे भी शाम को थोड़ा अच्छा लगे। अब देखते हैं, यहाँ पे झूले इतने सारे हैं, लेकिन ये जो बड़ा वाला पीछे जो झूला देख रहे हैं, मेरी मम्मी डरी से हम लोग को झूलने नहीं दे रही हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अंडर वाटर एक्वेरियम, तो एक पर्सन की प्राइस है 50 रुपीज। सही, चलिए देखते हैं अंदर कैसा है।
हमारे श्री राम जी ऐसा लग रहा है भूल भुलैया के अंदर चाह रहे थे राउंड एंड राउंड हो गए हमारा कोई नहीं लेने वाला तो लग रहा है सामान कर रहे हैं सो गाइस मेरे को लग रहा है यहाँ पे भी आके मेरा पैसा ही वेस्ट हुआ है आइए फिर देखते हैं गाइस नाउ आई एम थिंकिंग ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है इतना पैसा बर्बाद मतलब यहाँ कुछ भी नहीं मुझे लगा अंडर वाटर पूरा ऊपर से कवर होगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत बेकार लग रहा है मेरे को आके आप लोग प्लीज मत आइएगा सही में मैं कह रही हूँ मत आइए वेट 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 यहाँ तो कुछ अलग ही है वेट टू सी दैट वेट मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत सुंदर लग रहा है Literally, I am in underwater. Guys, मेरे को लगा था यहाँ मेरा सच में पैसा नहीं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप भी तो गाइस एक्वेरियम से निकलने के बाद हम लोग ने देखा यहाँ पे सिर्फ फोटो शूट का वो बनाया गया बहुत अच्छा है अब हम लोग फोटो क्लिक करके आपको सब दिखाते हैं आई एक्वेरियम से निकलने के बाद हमको लगी थी बहुत जोरों की भूख तो हम तीनों ने टोकन लिया टोकन लेके फिर हमने ऑर्डर किया डोसा तो डोसा बनने में टाइम लगा तब तक हम लोग बैठे रहे फिर मैं लेके आई डोसा फिर हम लोग फिर डोसा लेके आए सच बताऊँ डोसा इतना पतला था लग रहा था अभी एक हवा आएगी वो उड़ जाएगा क्या कहना खाने से मतलब था खा लिया हम लोग ने ना खाने के बाद हम लोग चले गए हॉन्टेड हाउस जिसका प्राइस है 30 rupees पर पर्सन तो हमने ले लिया टिकट तो गाइस हम फाइनली अब निकल रहे हैं बाहर मजा आई मुझे सही में अब नहीं लग रहा कि पैसे बेकार के हैं बहुत अच्छा लगा मुझे तो गाइस फाइनली हम लोग दुबई कार्निवल से बाहर आ गए अब हम लोग ऑटो को ढूंढ रहे हैं कि कहीं ऑटो मिल जाए फिर हम लोग घर के लिए निकले हेलो गाइस तो फाइनली अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं सो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा बाय बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स